13 अप्रैल 1919 जलियांवाले बाग साके च शहादत दा जाम पीण वाले परिवारां वल्लों बनाई गई संस्था मैंबर जो कि अज अमृतसर विखे जलियांवाले बाग दे विच अपने परिवारक मैंबरां नूं श्रद्धांजलि देण पहुंचे सन। पर केंद्र सरकार दी नीतियां दे चलदे काफ़ी लंबे समय तो बंद पे जलियांवाले बाग नूं उन्हां लई नहीं खोलिया गया, जिस दे रोस वजों उन्हां वल्लों जलियांवाले बाग दे बाहर बैठ के सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन कीता गया। इस मौके शहीदां दे परिवारक मैंबरां ने गलबात करदिआं कहा कि सरकार शहीदां दी शहादत दा मजाक बना रही है, जिन्हां दे परिवारां ने देश दी आजादी लई शहादत दा जाम पीता उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं उन्हां दी शहीदां नूं श्रद्धांजलि तक नहीं देण दित्ती जा रही। मैं जदों हिंदुस्तान आजाद होया, सोनी थले कर थोड़ा, हिंदुस्तान जद आजाद होया 5 साल दी उम्र तों 5 साल दी उम्र सी मेरी जदों हिंदुस्तान आजाद होया, तो उदों तों भावें मैं अपने बजुर्गां दी माता पिता दी उंगली पकड़ के आंदी सी जलियांवाले बाग दी श्रद्धांजलि देण, असीं हमेशा आंदे सी। अज 2 साल पहले जदों 100 साल मनाए, साडे उपराष्ट्रपति आए तां वी जनता लई इहनूं बंद कर दित्ता सी, आम आदमी नहीं गए, VIP गए, पिछले साल भी कुछ नहीं होया और अज दरवाजे बंद है। आज़ादी तो बाद यह पहला दिन है कि जो हिंदुस्तान के लोग अपने शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। जिस रस्ते तो डायर अंदर गया वो रस्ता बंद है, असं उस गेट पर एक फुलमाल चढ़ा के अपने शहीदों को प्रणाम कर रहे हैं। और जिस लीडर दे कोई भी है उसकी अव्यवस्था उसका अहम ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰ 1926 'ਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ कि मैं हिंदुस्तान पता नहीं किड्डी वड्डी गलती कर रहे हैं, परमात्मा मैनू माफ़ करी। अज उस गलती ते जिन्होंने खून दिता, इतने जिन्होंने अपना खून दिता भारत माता की आज़ादी लई, अज भारत के धिया पुत्र उसके दो फुल नहीं चढ़ा सकते, इस तो वड्डी गल होर की हो सकती है। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? मैं शहीदां दी धीआं भैणां इन्हां दी वारिसां इस नाते आई आं, और मैनूं नहीं ख्याल ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 51 ਸਾਲ ਸੰਘ ਦਾ ਸੰਸਥਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ, 77 ਦਾ ਵੀ, 80 ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਗਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਮੋਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਖੁਦੀ ਰਾਮ ਬੋਸ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗੜਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ,
कि ये भारत सरकार पंजाब सरकार इदा का चाहती है। असं तो चाहते हैं कि इदा के बनाउन कि सारे बंदे देशभक्त होन, कोई पासे हट के कोई गल ही ना करे। 1947 तो बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने वास्ते इस जगह पर हर साल फंक्शन होंदा सी। हर साल पहले साडे वड्डे वडेरे आउंदे सी, हुण असीं आ रहे सी काफ़ी सालों तो यह पहला चांस होया असीं हत्थां सहरे लै के श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते अंदर जाना सी। सानूं रोक दिता गया, पुलिस वाले कहिंदे ने कि सानूं सरकार दा हुकम है अंदर किसी नूं नहीं जान देना। यह वो स्थान है जितों देश प्यार का संदेश मिलता है, यह वो स्थान है जिते हिंदू सिखां मुसलमानों ने सांझे तौर पर शहीदियां दित्तियां सी और सांझे तौर पर सब का खून डुलिया सी। इहो जिहा स्थान ये तो एक शिक्षा संस्थान है, ये तो हमेशा खुला रहना चाहिए, इत्थे बच्चों नूं दिखाना चाहिए। ये इत्थों एक सानूं संदेश मिलता है, ये लाड़ संदेश दे रही है देश प्यार का। इत्थे ताले लगन किड्डी शर्म वाली गल है, इस संस्थान के ताले लाउंदे पे हो जित्थों देश प्यार का संदेश मिलता पिया। इस करके साडे नाल सरकार ने बहुत इनजस्टिस की है। असीं इत्थे बाहरों ही श्रद्धा के फुल भेट करके बाहर आ बुत लगा होया इत्थे सिरे पला के जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल वाजिब है जी। सानू कहते जी करोना है, यह वेखो कि दुनिया जे गोल्डन टैंपल जाते पे रैलियां हो रही जी, तमिलनाडु च बंगाल च किन्ने इलैक्शन दी पई है, प्रधानमंत्री साहब मंत्री साहब सारे उत्थे लख लख पचास हज़ार बंदे दी रैलियां करते पे, उत्थे कोई करोना नहीं है। बाकी होर इन्ने फंक्शन होंदे पे आ, उद्घाटन होंदे पे, उत्थे कोई करोना नहीं है। यह 20 बंदियां वास्ते करोना, असीं तो बिल्कुल गाइडलाइन के मुताबिक जाना सी, इन्नी ओपन जगह आ, असीं सारे ने मास्क बन्ने हुए आ, गाइडलाइन के मुताबिक जाना सी, असीं कोई इहो जिहे बंदे नहीं गया। बिल्कुल जी सही, तो इहो कहांगे यह पहली बारी होया, पिछली बारी कहिंदे सी लॉकडाउन है, असीं कहा सी अगली बारी कर लिओ, अगली बारी आ ताले वज्जे ने। ये साडियां भावनावां ते सरकार ने ठेस पहुँचाई है सानूं अज जिहड़ी है, असीं बतौरे प्रोटेस्ट बाहरों। हाँ जी बिल्कुल उही आ गया जी, उदों भी यो कुछ होया, हुण भी यो कुछ होया। यह तो साडे भरा ने पुलिस वाले, इन्हां दे जो हुकम तों हुकम आना इन्हां ने उहनूं ओबे करना। आ वेखो यह फगवाड़ा तो आए ने, 97 साल एज आ उहनां दी, इन्हां दा नाम श्री अविनाश चंद्र छाबड़ा। ये बेचारे इन्हां दे मन च इन्नी तांघ सी, कहिंदे सी मैं जरूर शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेट करन वास्ते जाणा, इन्हां नूं भी रोक दित्ता गया। फिर असीं इन्हां नूं कहा वी साडा इक नुमाइंदा जाएगा, उहनूं ही जाण दिओ, उहनूं भी नहीं जाण दित्ता। दस दिए कि शहीद परिवारों वालों सड़कों पर बैठ के संघर्ष किया गया। हर साल इत्थे शहीदों की याद दे विच एक वड्डा समागम करवाया जाता सी, पर इस बार कोरोना महामारी के चलदे जलियांवाले बाग नूं बंद कर दिता। देखना होगा कि आखिर शहीदों के परिवारक मैंबर कदों तक संघर्ष करते हैं, तो आखिर संघर्ष का की मुल पैंदा है। अमृतसर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट, डी फाइव चैनल पंजाबी। हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।